टोली का मैं हूं तान्या खन्ना। देश के 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं 4 बजे की इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज आखिर क्या कहती है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50% वोट डाल लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी भारी मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 70% वोटिंग हो गई है। वहीं राजस्थान में 3 बजे तक 40% वोट डाले गए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी वोटिंग की खबर है। इन तमाम सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिहार की 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल सीट्स पर बड़े नेताओं की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। तो बिहार में वोट डालने के लिए नेता, अभिनेता और आम जनता सब निकले। ज्यादातर बूथों पर लंबी लाइन लगी रही। पटना साहिब बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जेडीयू के गोपाल प्रसाद सिन्हा और कांग्रेस के कुणाल सिंह के बीच है। यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी वोट देने वालों में सबसे आगे रहे। लालू ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन राबड़ी देवी ने बिहार में आरजेडी कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। राबड़ी, इन्हें कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है 200 के बीच। यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी वोट देने वालों में सबसे आगे रहे। लालू ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन राबड़ी देवी ने बिहार में आरजेडी कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। राबड़ी, इन्हें कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है 200% जी। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कितना लग रहा है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे बिहार में हम लोग जीत रहे हैं। पूरे बिहार में जीत रहे हैं जी। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि इस बार लगता है कि पटना साहिब की जनता के सहयोग और उनके आशीर्वाद से हम इस बार एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए या पुराने रिकॉर्ड से ऊपर निकलते हुए। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में वोट डाला। वो मीडिया से बात किए बिना ही चले। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, सीपी ठाकुर और रविशंकर प्रसाद ने वोट डाले। रविशंकर प्रसाद अपनी माँ के साथ वोट डालने पहुँचे। देश में एक अभूतपूर्व बदलाव का माहौल चल रहा है। पटना साहिब से लगे पाटलिपुत्र में लालू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ लालू की बेटी मीसा भारती, बीजेपी के रामकृपाल यादव और जेडीयू के मौजूदा सांसद रंजन यादव जोर आजमाइश कर रहे हैं। मीसा भारती और रामकृपाल यादव ने पटना साहिब में ही वोटिंग की। मीसा ने जीत का दावा किया। 200% श्योर हूँ, जिस तरह से मैंने मेहनत की है और जनता का समर्थन और खास करके महिला और युवाओं का जो देख करके मुझे लगा 200%। टीवी स्टार रतन राजपूत वोट डालने के लिए मुंबई से पटना पहुंची। उनके बारे में पता होना चाहिए, वो कैसी सरकार आ रही है और अपनी पसंद से जब आप चुनते हैं एक उनके ऊपर हक होता है। बिहार में 5वें चरण की वोटिंग नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वोटिंग वाली 7 सीटों में से पिछली बार जेडीयू ने 5, बीजेपी और आरजेडी ने 1-1 सीट पर कब्जा जमाया था। 5वें चरण में वोटिंग के लिए झारखंड की 6 सीटें। यहां सबसे कड़ा मुकाबला रांची में है। केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का मुकाबला बीजेपी के राम चहल चौधरी से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुबोध कांत सहाय ने यहाँ वोट डाले। रांची में वोटरों में खासा उत्साह दिखा। यहाँ कई मतदान केंद्रों पर वोटरों को गुलाब भेंट किया गया। महानायक अमिताभ बच्चन के एक हमशक्ल भी वोटिंग करने आए। मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाई वो घर से निकले और वोट डालने जाए। नहीं, यही मैं बार बार उन लोगों को कह रहा हूं कि वोट जारी है और वोट लोग डाल रहे हैं और आप भी घर से जाइए, अपना मताधिकार का प्रयोग करें जरूर से जरूर। पिछली बार यहां हजारीबाग, खूंटी और गिरिडीह में बीजेपी रांची सीट पर, कांग्रेस जमशेदपुर पर झाविमो और 1 पर निर्दलीय मधुकोड़ा ने कब्जा किया था। रांची से राकेश कुमार सिंह के साथ अभिषेक चंद, पटना, इंडिया न्यूज़।